कैमरे पर किसी रियल लाइफ डॉन की तस्वीरों को कैद होते देखा है क्या? दुश्मन तो बहुत है मेरी जान, पर वो कहते हैं ना, शेर का शिकार कुत्तों से नहीं होता। गदर मचाने वाले इस वीडियो के बाद देखिए कैसे एक साथ दो दो बीवियां डॉन देवा गुर्जर की आरती उतार रही हैं। एक और तस्वीर है जहां दुकान में दोनों बीवियां एक साथ डॉन पति देव की उंगलियों में अंगूठी पहना रही हैं। डॉन है तो माहौल भी बड़ा होना चाहिए। डॉन देवा गुर्जर की 9 संतानें हैं, जिनमें 8 लड़कियां और 1 लड़का है। जहां पहली बीवी से 8 बेटियां तो दूसरी बीवी से 1 बेटा, परिवार तो बड़ा है ही, इसके साथ डॉन के गैंग में 50 खूंखार साथी भी हैं। पैसे और लग्जरी गाड़ियों से सदाबहार रहने वाले डॉन देवा की लाइफस्टाइल देखकर अक्सर बड़े बड़े गैंगस्टर, यहां तक कि उसके दोस्त भी उससे जलन किया करते। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई एक एक तस्वीरें, रील्स और वीडियो आए दिन लोगों के जहन में डॉन के वर्चस्व को बखूबी बखान करती। अपनी पॉपुलैरिटी का अंदाजा डॉन देवा को भी था, इसलिए राजस्थान के इस डॉन ने अपने रील्स और वीडियो शूट के लिए एक कैमरा पर्सन तक को हायर कर रखा था, और वही कैमरामैन देवा गुर्जर की हर मूवमेंट की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर आए दिन शेयर करता। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देवा गुर्जर के स्टंट से लेकर भौकाल मचाने वाले वीडियो देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसके करीब 2 लाख फॉलोअर्स हैं। डिजिटल पर ही नहीं, जमीनी स्तर पर भी देवा के सैकड़ों फॉलोअर्स हैं। राजस्थान का कोटा शहर का कोई ऐसा पुलिस स्टेशन नहीं है जहां डॉन देवा गुर्जर के नाम पर FIR दर्ज ना हो। यहाँ के RK पुरम थाने में तो देवा के नाम बतौर हिस्ट्री शीटर भी दर्ज है। लूटपाट, अवैध वसूली और मारपीट, जमीनी खरीद फोक में भी इलाके में बस देवा का ही डंका बजता था। यही वजह थी कि चित्तौड़गढ़ में भी डॉन के खिलाफ कई मामले दर्ज थे। लेकिन कई बार मौत को चकमा देने के बावजूद भी आखिर कैसे डॉन को अपने ही लोगों ने धोखा दिया? आखिर कैसे राजस्थान के डॉन के बेस्ट फ्रेंड ने ही सरे राह उसकी खून से होली खेली? वो तारीख थी 4 अप्रैल की, जब देवा गुर्जर अपनी गाड़ी ठीक कराने के लिए मिस्त्री की दुकान पर गया तो साथ ही पास के सैलून की दुकान पर शेविंग कराने बैठ गया, और उसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे 2 गाड़ियों में भरकर करीब 10 से 15 लोग आते हैं और देवा पर गोलियों से ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। धारदार हथियार, कुल्हाड़ी, रिवॉल्वर से कई फायर कर हमला करने का जानलेवा खेल करीब 4 मिनट तक चला। जब गुंडों के इस बात पर यकीन हो जाता है कि देवा मर गया है तो झट से वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। वारदात के बाद गांव के लोग देवा को अस्पताल ले गए, जहां 10 मिनट के इलाज चलने के बाद उसकी मौत हो गई। डॉन की मौत के बाद जब इस मामले की जांच की गई तो पुलिस की जांच की सुई बाबूलाल पर आ गई। पता चला कि बाबूलाल 5 महीने से देवा गुर्जर के संपर्क में था। दोनों एक साथ अक्सर इंस्टाग्राम पर रील भी बनाते थे, लेकिन धीरे धीरे देवा की लाइफस्टाइल बाबूलाल के गले नहीं उतर रही थी, और देवा की मौत के 8 से 10 दिन पहले ही दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ। ये दुश्मनी इस कदर बढ़ गई कि बाबूलाल ने देवा को मौत के घाट उतार दिया। इसके साथ ही 9 बच्चों के पिता और राजस्थान के खूंखार डॉन देवा गुर्जर गैंग वार की बलि चढ़ गया।